गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो जैसा कि आपको पता है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अभिधारणा है, उसके पार्ट नंबर टू मैंने करा चुके हैं, पार्ट वन और पार्ट टू करा चुका हूँ, पार्ट नंबर थ्री की आज बारी है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है, कैसे आया, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमने हाल ही में रासायनिक संयोग के नियम पढ़े थे। उसमें बताया गया था कि द्रव्य जो है वो सूक्ष्म तन कणों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे सूक्ष्म तन कण जो रासायनिक परिवर्तन के साथ विभाजित नहीं हो सकते। डाल्टन जी आए, डाल्टन ने 1804 ईस्वी में इन सूक्ष्म तन कणों पर अध्ययन किया कि ये सूक्ष्म तन कण है क्या। तो उन्होंने देखा कि द्रव्य को जो बनाने वाले सूक्ष्म तन कण है ये एक परमाणु है, उन्होंने इसको नाम दिया परमाणु। ठीक है, हालांकि कण तो पहले से थे पर परमाणु नाम डाल्टन ने ही दिया है। उसके आधार पर ही डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत आधारित है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया 1804 में, क्या कहा इन्होंने कि द्रव्य अति सूक्ष्मतम कणों सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि द्रव्य जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे हम क्या कहते हैं परमाणु, ये डाल्टन ने बताया। दूसरा, किसी विशेष तत्व के सभी परमाणु, मतलब कोई एक तत्व जो है वो कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो उसके जो सभी परमाणु है वो एक ही प्रकार के होंगे, अलग अलग टाइप के नहीं होंगे, एक ही प्रकार के होंगे सारे परमाणु। किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात क्या मतलब है कि उनका आकार परिमाण और रासायनिक गुण जो है वो सब समान रहते हैं, साइज और रिजल्टेंट और केमिकल क्वालिटी उनकी सब समान रहती है। ठीक है, किसी एक ही प्रकार में, एक प्रकार के तत्व में। ठीक है, अगर हम बात करें किसी एक तत्व के परमाणु, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से कंपेयर अगर हम करने लगे, एक तत्व के परमाणु के दूसरे कंपेयर से, तो वो जो अलग होते हैं हमेशा, ठीक है, वे भिन्न होते हैं, अर्थात दो तत्वों के परमाणु जो है, परमाणु के आकार परिमाण द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो है वो उनके भिन्न भिन्न रहेंगे। एक ही तत्व में सभी, एक ही तत्व के जो परमाणु है वो सभी सेम आकार के रहेंगे, सेम परिमाण के रहेंगे, परंतु अगर डिफरेंट तत्वों के कंपेयर करने लगे तो उनके आकार भी बदल सकते हैं, द्रव्यमान भी बदल सकते हैं और उनके केमिकल गुण भी बदल सकते हैं। चौथी बात क्या कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसका मतलब इनसे छोटी इकाई कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ये सबसे छोटी इकाई है परमाणु द्रव्य की। तो परमाणु अविभाज्य होता है अर्थात इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, परमाणु अविनाशी होते हैं, मतलब अविनाशी का क्या मतलब है, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, जब इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता ना ही इन्हें उत्पन्न किया जा सकता। तो परमाणु अविनाशी होता है अर्थात ना इन्हें बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 6 है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होते हैं। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होते हैं, अर्थात ये वे सूक्ष्म कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, सबसे छोटा कण जो है सूक्ष्म कण यही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से, जो विभिन्न तत्व है उसके जो परमाणु है एक दूसरे से निश्चित कोणा, मतलब जो दो तत्वों के परमाणु आपस में जब क्रिया करते हैं तो दोनों मिलके दो परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं, या इसे हम यौगिक परमाणु भी कहते हैं। यौगिक परमाणु मतलब परमाणुओं का जोड़ा, या अणु भी कहते हैं उसका, हम अणु बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी नियम जो है वो हर जगह लागू नहीं किया जाता, कोई भी नियम जैसे बनता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर होती है, ऐसा कोई भी नियम अभी तक नहीं बना है जो आप हर जगह लागू कर सकते, क्योंकि हर जगह लागू हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं फेल जरूर होगा। इसी तरह से डाल्टन के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं। वैसे तो डाल्टन का नियम जो है रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या करने में पहला सफल कदम था, परंतु फिर भी उनमें से एक नियम का यह व्याख्या नहीं कर सका, गैलोजैक के नियम। कुछ और त्रुटियां भी इसमें बची थी, मतलब कुल मिला के लिमिट बना दी गई कि ये केवल यहां तक काम कर सकता है, तो कुछ सीमाएं हैं इसकी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है फिलहाल उनके परमाणु सिद्धांत की सीमाएं कि यह नियम गैलोजैक के नियम की व्याख्या नहीं कर सका, अभी मैंने आपको बताया। दूसरी क्या सीमा है कि यह सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं कर सका कि क्यों और कैसे परमाणु संयोग करके अणु बनते हैं।
इसने ये तो बता दिया कि दो परमाणु एक साथ मिलके यौगिक परमाणु या अणु बनाते हैं, पर क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं ये इसकी डिस्कस ये इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो ये बता चुका था और ये व्याख्या नहीं करने में असमर्थ था। तीसरा नियम क्या था, तीसरा जो लिमिटेशन था क्या था कि किसी अणु में परमाणुओं को परस्पर बांधने। अब इसने ये बता दिया, हमें बताया कि भाई अणु तो बनाता है, अब अणु मिलके बनता है दो या दो परमाणु से, दो कम से कम दो परमाणु से मिलकर अणु बनता है, ठीक है। तो उनकी व्याख्या ये करने में असमर्थ रहा कि उन्हें किस बल द्वारा बांधा गया है। भाई दो अणु दो परमाणु जो है वो अणु में किस प्रकार रुक सकते हैं, कोई ना कोई तो बल उनके बीच लग रहा होगा जिससे वो रुके हुए हैं। दो चीज तो दो अणु दो परमाणु एक साथ कैसे रुक जाएंगे, उस किसी बल के कारण रुकेंगे। तो ये भी नहीं बता सका कि किसी अणु के में परमाणुओं को परस्पर बांधने वाले बल की प्रकृति कैसी होगी, उसकी व्याख्या करने में भी असमर्थ रहा। इसने नहीं बता पाया कि एक बल तो लग रहा है, सबको पता है बिना बल के तो जगह, तो उसकी व्याख्या करने में भी असमर्थ रहा। नेक्स्ट आपका है ये कि यह सिद्धांत यह बताने में असमर्थ रहा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। देखो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु है। वास्तव में सबसे छोटा कण परमाणु है, सूक्ष्मतम परमाणु है, परंतु वो स्वतंत्र अवस्था में आपको नहीं दिखेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसलिए अगर ये पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे छोटा ऐसा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तो वो अणु होगा। अगर ये पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे छोटा कण तो आप खाली परमाणु, ठीक है। तो ये इस बात की व्याख्या भी नहीं कर सका कि भाई ऐसा क्यों है, परमाणु जो सबसे छोटा है तो वो स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। इस नियम की सीमाओं को पढ़ने के बाद अब इस नियम पे कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होती है तो ये नियम सरासर गलत साबित होता है, बहुत सारी गलतियां इसमें निकल जाती हैं। तो ये नियम कहलाता है कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, ऐसा शायद डाल्टन ने भी बताया था, परंतु ये नहीं बता सका था कि मुक्त अवस्था में क्यों नहीं रह सकता, इसने बताया, ठीक है, वर्तमान स्थिति में। दूसरी क्या बात है कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु समान हो, समान प्रकार के हो। डाल्टन ने क्या बताया था कि एक तत्व के सभी परमाणु जो है वो समान आकार के, समान द्रव्यमान के और समान रासायनिक गुणों के होते हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद और समस्थानिक संवाहकों की खोज होने के बाद ये नियम बिल्कुल गलत साबित हो गया। एक तत्व के परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है, उसको उदाहरण मैंने यहाँ दिया है। उदाहरण क्या है कि कार्बन के तीन परमाणु होते हैं, कार्बन के तीन समस्थानिक हैं, 6C12, 6C13 और 6C14, ठीक है। आप इसमें देख रहे होंगे जो ये होता है ये परमाणु क्रमांक होता है नीचे, और जो ऊपर होता है ये परमाणु भार होता है। तो ये परमाणु क्रमांक तो सभी का समान है परंतु भार अलग अलग है। परंतु डाल्टन ने क्या कहा था कि एक तत्व में, तत्व देखो कार्बन है, कि एक तत्व में सभी परमाणु समान आकार के होते हैं परंतु यहाँ तो अलग अलग भार हो रहा है इनका, तो ये नियम गलत साबित हुआ। इसी से एक परिभाषा और निकलती है, क्या कि एक ही तत्व के, नोट में आप देखेंगे बड़े ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक में ही, समस्थानिक वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। समस्थानिक मतलब स्थान समान, मतलब उनके क्रमांक समान, स्थान मतलब क्रमांक नंबर वो समान है उनके, तो क्रमांक ये होते हैं ये भार होते हैं, क्रमांक समान है तो ये ध्यान रखना है। तो जब से समस्थानिक बना है तो ये नियम इसकी बात गलत होगी। दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, दूसरा इन्होंने बताया था कि जो एक ही तत्व के परमाणु, जो एक ही तत्व के परमाणु हैं वो अन्य तत्व के परमाणुओं से भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, ये भी बात गलत साबित हुई जब एक अन्य डेफिनेशन बनी संभाविक, ठीक है। तो मतलब कहने का यह, संभाविक कैसे डेफिनेशन बनी नोट में आपको दिखा देता हूं मैं, कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान, मतलब वजन उनका समान हो गया। डाल्टन क्या कह रहा था कि अलग अलग तत्वों का वजन समान नहीं हो सकता,
तो परमाणु भार तो समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समवारिक कहलाते हैं। देख लेते हैं हम, देखो एक ही तत्व के परमाणु अन्य तत्व के परमाणुओं से अलग अलग हो सकते हैं, ये बताया वर्तमान स्थिति में। डाल्टन ने इसका उल्टा बताया था। तो जैसे कैल्शियम और आयरन के परमाणुओं का भार हमने ले लिया कि वो समान रहता है। देखो आप देख रहे हो क्रमांक तो चेंज है 18 हो रही, परंतु जो इनके भार हैं वो समान है और तत्व भी आपके भिन्न हैं। तो ये नोट जो है आपको बड़े ध्यान से देखना है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको अलग अलग डेफिनेशन का पता चलता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये परमाणु विभाज्य है। डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु अभाज्य है। ये भी गलत नहीं बात, परमाणु तो विभाज्य है क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इनके अलावा अन्य कण भी पाए जाते हैं, न्यूट्रिनो मेसान बहुत सारे जो आपके मूल, ये तो मूल कण है परमाणु के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके अलावा अन्य कण भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब परमाणु विभाज्य है, अभाज्य नहीं। अब इसके थोड़ा आगे हम पढ़ लेते हैं और नियम। तो पांचवा जो पॉइंट था वो था कि परमाणु नश्वर है, मतलब परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। और डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता, मतलब नए से उत्पन्न किया जा सकता, नए से नष्ट किया जा सकता। तो ये भी बात उसी गलत हुई। ये कह रहे हैं कि परमाणु नश्वर है, क्यों है, क्योंकि परमाणु के द्रव्यमान को आइंस्टीन की जो समीकरण है E=mc² उसके अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब द्रव्यमान का परिवर्तन ऊर्जा में हो सकता है। इसका मतलब कि ये नश्वर है क्योंकि इसे नष्ट किया जा सकता है, उसके द्रव्यमान को बदल दें। तो मतलब कहने का ये है कि ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के द्वारा ही संभव है। ये प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये तो आपको पता ही होगा। विखंडन का मतलब होता है टूटना, दो बड़े बड़े एक बड़े नाभिक का छोटे नाभिक में टूटना विखंडन कहलाता है, और नाभिकीय संलयन जो कहलाता है वो दो छोटे एक बड़ा नाभिक, ये संलयन जो है वो दो छोटे नाभिकों का एक बड़ा नाभिक मिलकर बनता है, तो वो नाभिकीय संलयन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है। जो परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है, ये उसने भी बताया था, ये हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें परमाणु निश्चित पूर्ण अनुपात में नहीं होते। इसने क्या बताया था डाल्टन ने बताया था कि सभी यौगिकों में परमाणु जो है वो निश्चित पूर्ण अनुपात में होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पूर्ण अनुपात में नहीं होते। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, नॉन स्टॉइकोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं, नॉन स्टॉइकोमेट्रिक यौगिक इसको कहते हैं। और ये जो अणु बनते हैं इनसे, ये अलग अलग बलों से बनते हैं, जबकि वो बल की व्याख्या नहीं कर सका था डाल्टन जो। ठीक है, तो ये आज का तुम्हारा टॉपिक डाल्टन से रिलेटेड कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो